नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 9A Sport के कैमरा सेटिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको कैमरा के हिडन फीचर्स बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो गाइस विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करना है और कैमरा पर क्लिक करने के बाद ये जो है आपका मेन कैमरा ओपन हो रखा है। तो यहाँ से आप सिंपली फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, हमारा फोटो शूट हो चुका है। तो इस पर कोई वाटर मार्क नहीं आया है, तो यहाँ पर आप वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको जाना है थ्री लाइन पर जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है, थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है। फिर यहाँ से आपको वाटर मार्क का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर वाटर मार्क कैसे इनेबल करना है। सो गाइस यहाँ से आपको कस्टमाइज पर क्लिक करना है, पैक जाना है। सो गाइस फिर यहाँ से आपको ऐड टाइम स्टैम्प ऑन फोटो, इसे आपको इसे इनेबल कर देना है। तो अब बैक जाना है, अब आपको एक फ़ोटो शूट करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वाटर मार्क जो है वो यहाँ पर आ जाता है कि इस तारीख को और इतने टाइम ये फ़ोटो शूट हुआ था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से आप इसे वाटर मार्क ऑन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर सेटिंग पर जाना है, फिर थ्री लाइन पर सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, हाई हो रखी है, स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम बटन शॉर्टकट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसे शूटर वाले ऑप्शन पर जैसे कि वॉल्यूम डाउन बटन से भी आप फोटो को शूट कर सकते हैं, तो शूटर कंट्रोल डाउन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर फोकस एंड शूट, अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो आप फोकस करेंगे, पहले प्रेस करेंगे तभी आप फोटो को शूट कर पाएंगे। जैसे इसे इनेबल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पर एक शूट को जो फोकस होता है वो फोकस कर लेता है, दोबारा फिर शूट होता है फोटो। बाकी यहाँ पर आप सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो फ्रेम जो है वो ये वाला फ्रेम हो रखा है 3x4, यहाँ से आप इसे फुल कर देंगे तो यहाँ पर पूरे स्क्रीन में आपका जो है वो आ जाता है। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये जो है फ्रेम चेंज हो चुका है। बाकी यहाँ से आप 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड का टाइम लगा सकते हैं, फोटो को दूर से भी आप शूट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको सेटिंग पे दोबारा से जाना है दोस्तों, और यहाँ से आप प्रेस एंड होल्ड शूटर, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो रिकॉर्ड वीडियो, अगर आप प्रेस करते हैं होल्ड तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन जो है वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाती है। बाकी यहाँ पर शूटर साउंड, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। जो फोटो को शूट करते हैं तो एक साउंड बचता है, तो वो आप यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको बैक जाना है और यहाँ से आपको प्रो वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपके इतने ऑप्शन मिल जाते हैं, WB ऑटो और F ऑटो, S ऑटो, ISO ऑटो, EB0, ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और वीडियोस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ वीडियो बना सकते हैं, पोर्ट्रेट भी मिल जाता है। मोड के ऑप्शन पे जाना है तो यहाँ पर नाइट मोड मिल जाता है, जो कि नाइट के समय आप फोटो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप ऐसे शॉर्ट वीडियो को शूट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको स्लो मो वगैरह कोई वीडियो नहीं मिलती है दोस्तों। यहाँ से आपको इसे इनेबल करना है और ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जो कि आप अपने फ़ोन में जो कि फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर HDR को ऑन कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप ये मिल जाती है स्टार वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्यूटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि ब्यूटी यहाँ पर आप फुल कर सकते हैं 100%, जो कि आप काफ़ी हद तक गोरे हो सकते हैं। इस यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर, बहुत सारे आपको फिल्टर मिल जाते हैं, जो कि अपने फोटो पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं एक नई।